हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईसीआर वीजी बीजी और पीएचडी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं कि ऐसी कॉलेज जो कि आईसीआर की टॉप कॉलेज में आती है, उस कॉलेज के बारे में ऑल अबाउट जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स रैंक कार्ड को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजिंग्स एंड प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, जैसे कि आपके आईसीआर की ऑफिशियल साइट की हम बात करें तो बीते डेज में आपको बात करें तो पे आपका डाटा रिलीज हुआ था, बट टेक्निकल इश्यू कार्ड आपका डाटा वहां से जो है इश्यूज हो गया, लेकिन वहां पे आपका आईसीआर में अभी तक अपडेट दिया है कि आपका रैंक कार्ड है जल्दी ही आपकी ऑफिशियल साइट पे जारी कर दिया जाएगा। तो अभी आपको वेट करना होगा, आपके रैंक कार्ड के साथ ही आपका काउंसलिंग प्रोसेस का जो शेड्यूल होगा उसका आपका जो है अपडेट किस डेट को कौन सा होने वाला है तो सब जारी कर दिया जाएगा। आपको चिंतित नहीं होना है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको वीडियोज के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके सारों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप पर्सनल काउंसलिंग भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पे उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और उस कॉलेज की हम बात करेंगे, उस यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे जो कि टॉप कॉलेज है और जिसके बारे में आपने सबने एक बार तो जरूर सोचा होगा। तो आज उस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है जीवी पंत यूनिवर्सिटी। मतलब जैसे कि आप उसमें एडमिशन लेना हो तो कितना आपको मिनिमम स्कोर आपको करना होगा आईसीआर में, क्योंकि उसमें जो एडमिशन लेने के लिए आप जेई से भी जा सकते हो, आप स्टेट एग्जाम भी उनका होता है उत्तराखंड का, तो वो भी आप देख के जो है उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ आप जो है उसमें आईसीआर के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि बीते कुछ लास्ट ईयर की हम बात करें तो वहाँ पे 15% सीटों के लिए आपका एडमिशन होता था, लेकिन इस ईयर जो आपका एडमिशन होने वाला है वो 20% सीटों पे होने वाला है। तो ये सबको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ की उस कॉलेज की क्या हॉस्टल फीस लगती है, क्या आपकी सेमेस्टर फीस लगती है, कौन कौन से कोर्स आप वहाँ से कर सकते हो, साथ ही साथ आपका किस क्या क्या आपका चार्ज वहाँ पे लगने वाला है और कितना आपको मिनिमम स्कोर करना होगा यूजी स्टूडेंट्स को ताकि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सके। लास्ट ईयर के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने काउंसलिंग किया था और जीवी पंथ में उनका थोड़ा सा हाई रैंक होने पे भी पर्सनल काउंसलिंग से उनका जीवी पंथ में एडमिशन हो गया। वो भी हम दिखाएंगे उस स्टूडेंट का कितना रैंक था, कौन से राउंड में उनको जो है कॉलेज मिली थी। ठीक है, तो चलिए अभी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तब तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम जीवी पंथ की हम बात करें तो ये उत्तराखंड स्टेट में है। दूसरी बात यह है कि 1961 में इस कॉलेज को पब्लिश हुआ था, तो काफ़ी पुरानी कॉलेज है। आईसीआर की ऑल इंडिया रैंक की हम बात करें तो इसका रैंकिंग है 3-4-5 तक रहता है। ठीक है, हर साल आपका आईसीआर का रैंकिंग आता है तो 3-4-5 पे इसका रेशियो तक यहीं पर रहता है कि 3 या 4 इसका इंडिया की टॉप कॉलेज में आता है। दूसरी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये नहीं आता। ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा, ये है आपका इसके बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है। तो आईसीआर के आप थ्रू एडमिशन लेने वाले हो, स्टेट जो एग्जाम्स के भी आप ले सकते हो। यदि मैथ के स्टूडेंट हो तो आपका फूड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में जो एडमिशन होता है वो आप जो है जेई के थ्रू भी ले सकते हैं एंड आईसीआर के थ्रू भी ले सकते हैं, स्टेट एग्जाम से भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो तीनों प्रकार से इसमें एडमिशन होता है। तो इस वीडियो में हम आईसीआर यूजी की हम बात करेंगे। ठीक है, आईसीआर एग्जाम से आप किस तरह से कितना मिनिमम स्कोर से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि स्टेट एग्जाम से आपका इनका अलग से कट ऑफ चलता है, बट आईसीआर से का क्या मिनिमम स्कोर आपका या क्या मिनिमम आपका रैंक होना चाहिए जिससे कि इसमें एडमिशन होगे। तो चलिए सबसे पहले हम आईसीआर के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि आपका कितना फीस है वो लगने वाला है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हो, चाहे आप बीएससी फिशरीज आप उससे कर रहे हो, या बीएससी कम्युनिटी साइंस आप उस कोर्स से कर रहे हो, या आप फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कोर्सेस कर रहे हो, कितना आपका यहाँ पे फीस लगने वाला है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो कितना आपका मिनिमम स्कोर या मिनिमम रैंक है वो होना चाहिए, ओबीसी के लिए बात करेंगे, एससी एंड एसटी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आईसीआर के फर्स्ट, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जो हमने लास्ट ईयर की काउंसलिंग की थी उसमें दिखा रहे होंगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मेरे लास्ट ईयर पर्सनल काउंसलिंग की थी। तो इन स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा रैंक तो नहीं कह सकते, बट अच्छे से इनका 24% हमने किया ताकि इनको सीट जीवी पंथ मिल सके। उनका ड्रीम कॉलेज था कि भैया कैसे भी करके जो है हमको हम जीवी पंथ दिलवा दीजिए, तो इनको जीवी पंथ उनको मिला, बहुत ही खुश रहे। ठीक है, तो काफ़ी खुश है, अभी जो है रिसेंटली इनसे बात भी हुआ तो काफ़ी खुश है बंदा। तो आप भी यदि इस तरह के आपकी कोई ड्रीम कॉलेज है और आप एडमिशन लेना चाहते हो, या आपका कम रैंक है आप आईसीआर में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप हमारे पर्सनल काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हो, जिसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा टीम आपको 2400 आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे कि जनरल में आपका कितना कट ऑफ होना चाहिए, कितना आपका मिनिमम स्कोर है वो आपका होना चाहिए। तो बीएससीजी में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका 1200 तक रैंक होना चाहिए लास्ट राउंड तक हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सीट वेकेंट एक ज़्यादा इसमें सीट वेकेंट
सेकंड रह जाएगा। आईसीआर की फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में यदि आपका एडमिशन होता तो हो जाता है। मोपअप राउंड था तो बहुत एक या दो सीट इसमें बचा रहता है। सबसे बड़ी बात इस बार 20% सीटों पर होने वाला, तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कट ऑफ मतलब दो जाएगा। उसके बाद यदि आपका 1000 या 1200 तक होता है तो लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है। ओबीसी की हम बात करें तो 700 से लेकर आपका 1500 के बीच में रैंक आता है। मैंने हाईएस्ट रैंक बताया क्योंकि इस बार काफ़ी कुछ हो सकता है कि 20% सीटों पर एडमिशन हो रहा है। एससी की हम बात करते हैं, यदि आपका 2000 तक भी रैंक है तो कहीं ना कहीं आपका लास्ट राउंड तक जो सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि एसटी की है तो 2500 में यदि आपका लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका काउंसलिंग का बीएससी एग्रीकल्चर के लिए रहेगा। कम्युनिटी साइंस के लिए आप जो है 1200 की जगह 1500 कर सकते हैं, ओबीसी की जगह आप 2000 कर सकते हैं, एससी का 2500 कर सकते हैं, और एसटी का यदि आप 3000 तक भी है तो बीएससी कम्युनिटी साइंस आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ये मैंने शुक्र कहा कि इससे यदि इतना रैंक है तो आपका गारंटी आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा यदि आप प्रॉपर अच्छी काउंसलिंग में आप अच्छी काउंसलिंग से की हो। ठीक है, तो ये कुछ समझ में आ गया होगा कि इतना मिनिमम रैंक होगा तो आपको जीबी पंत में आपको एडमिशन मिल सकता है जो कि इंडिया की टॉप कॉलेजेस है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जैसे कि आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। जैसे मैंने बात किया था यहाँ पे जो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, फिशरीज कर सकते हैं आप, कम्युनिटी साइंस का कोर्सेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है बीटेक के कोर्सेज भी आप कर सकते हो जिसमें आपका जो है फूड टेक्नोलॉजी या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये सारे कोर्सेज का आप जो है जीबी पंत से कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पर्सनल काउंसलिंग, हमने बात कर लिया, जो इंटरेस्टेड ट्रेनर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कितना फीस आपका लगने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप कॉलेज है, तो कितना फीस आपका यूजी का लगने वाला है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं उसके बाद अलग अलग कोर्सेज की बात करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद कम्युनिटी साइंस कितना फीस उसका लगेगा, सब चीज़ें हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जीबी पंत यूनिवर्सिटी कितना फीस आपका, कौन कौन सा आपका चार्ज लगने वाला है और टोटल आपका कितना फीस है वो रहेगा। तो चलिए यूजी प्रोग्राम्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। पीजी की आप इधर देख सकते हैं, यूजी प्रोग्राम की हम बात करें तो आप बीएससी एजी फिशरीज, उसके बाद बीएससी कम्युनिटी साइंस और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी बीटेक के कोर्सेज के लिए कितना आपका जो है फीस रहेगा वो हम यहाँ पे एक बार शो करेंगे। ओके, तो पूरा आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपका कितना फीस है वो चार्ज है वो लगने वाला है। ओके, तो इस बात को पूरा ध्यान में रखिएगा कि कितना और किस हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। तो नीचे की आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो एनुअल फीस आपका कितना है, टोटल सेमेस्टर फीस आपका कितना रहेगा, और यहाँ पे हम सारे कोर्सेज की बात करें तो आपका 22000 मतलब टोटल 30000 फीस यहाँ पे दिखाया गया है फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, फॉर बीएससी फिशरीज के लिए, उसके बाद में आपका बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए, और उसके बाद में आपका जो है फूड टेक्नोलॉजी के लिए 30459 आपका टोटल पैसा लगने वाला है। किस किस तरह से लगेगा वो एक बार आप देख लीजिए, और क्या फीस ट्यूशन फीस आपका कितना है ये नोटिस हम आपको जो उसमें भी डाल देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ट्यूशन फीस आपका कितना रहेगा, लाइब्रेरी चार्ज आपका कितना रहेगा, गेम्स फीस कितना रहेगा, एग्जामिनेशन फीस आपका कितना रहेगा, रूम रेंट आपका कितना रहेगा, टूर फीस आपका 300 रहेगा, इस तरह से वाटर चार्ज 60 रुपीज़ रहेगा। और उसके बाद में आप जो है यहाँ पे और भी देख सकते हो एनुअल फीस किस तरह से, स्टूडेंट्स एड्स फंड और स्टूडेंट्स सोसाइटी फीस किस तरह से क्या लग रहा है, तो पूरा यहाँ पे पूरा देख सकते हैं आप कि 22000 आपका लिए 30000 आपका इसके लिए लगेगा, और 37000 आपका यहाँ पे जो है एक्चुअल फीस जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे तो उनके लिए आपका 35000 के अप्रोक्स जो है लगने वाला है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट्स हैं सॉरी जो बीटेक के स्टूडेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे 37000 आपका लगने वाला है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई समझ में नहीं आए कि आपका जीबी पंत में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कितना आपका फीस लगेगा, तो यहाँ पर मैंने शो कर दिया कि 30000, और उसके बाद में यदि आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है 37000 आपका टोटल फीस लगने वाला है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई स्टूडेंट्स को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इन्फॉर्मेटिक, और प्लेसमेंट के बारे में भी यहाँ पे हम बात करें तो 100% प्लेसमेंट होता है। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन की वीडियोस एंड सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन करते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए। और पर्सनल काउंसलिंग के जो स्टूडेंट्स हमारी टीम के साथ काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।